दीप के सारे काम खत्म करके पूजा में बैठ जाऊंगी। पता नहीं रोनी ने इन्हें पूजा के लिए कन्विंस किया होगा या नहीं। अगर उसने नहीं कन्विंस किया तो मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि आज सुबह पूजा के बारे में सुन के तो ये बहुत ही अपसेट हो गए थे। You can do it, अभी. You're a rock star. पर कैसे पटाओ इसे? पीछे से जाकर गले लगा लेता हूँ। नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। फिर क्या करूं? इसकी हेल्प करता हूँ। हाँ, लड़कियों को ना हेल्पिंग बॉयज बहुत पसंद आते हैं। चाहिए आपको? हाँ। क्या? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मतलब पता नहीं मुझे वो चीज मिलेगी भी या नहीं। क्या नहीं मिलेगी? है कुछ? तुम छोड़ो ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये कहीं मेरे साथ रहने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? और ये नॉर्मली क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? इन्होंने तो कहा था कि मुझसे बात ही नहीं करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आपको इतना छोटा सा काम बोला था कि अभी को कन्विंस करो, वो भी नहीं कर पाई आप। आपके इस घर में बस इतनी सी चलती है? चलती तो मेरी बहुत है, लेकिन टेढ़ी बात नहीं चलती। एक तो इतनी गंदी बात तेरे दिमाग में आई, ऊपर से तुम मुझसे कह रही कि अभी से मनवा। अब कह रही है तो थोड़ा सब्र भी तो कर। हाँ हाँ, सब्र। और काम भी क्या है मेरे पास सब्र करने के अलावा? सुन बेटा, तेरी जगह अगर कोई दूसरी औरत होती ना तो ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहती। अरे, एक बार भी सोचा तूने कि अगर अभी मेरी बात मान लेता और वो प्रज्ञा को फंसाने की कोशिश करता, या प्रज्ञा उसे अपने प्यार में फंसा लेती, तो फिर तेरी शादी तो गई थी ना। क्या बोल रही हैं आप? एकदम सही तो कह रही है इंदु दासी। तुम अच्छे से जानती हो प्रज्ञा कितनी चालाक औरत है। सोचो, अगर पूरा गेम तुम्हारे ऊपर उल्टा पड़ जाएगा तो तुम्हारे हाथ से तो भाई भी चले जाएंगे। मेरा मतलब है दासी, देखा जाए तो हम लोग भी गलत नहीं है। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि किसी तरीके से आप भाई को कन्विंस कर ले, उन्हें मना लीजिए कि वो प्रज्ञा के साथ वही करे जो प्रज्ञा ने उनके साथ और हम सबके साथ किया। मतलब सोचिए कितनी गलत बात है ना, मतलब प्यार दिखाकर किसी को अपना बनाकर उसे धोखा दे देना। अब भाई को भी वही करना है, जताना है कि भाई को उससे प्यार हुआ है, फिर वैसे ही उससे सिग्नेचर ले लेने हैं और पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ अपने नाम कर लेना, ठीक वैसे ही जैसा उसने भाई के साथ किया था और हम सबके साथ किया था। क्यों तर? राइट। हाँ हाँ लिया, तू सही बोल रही है, लेकिन ये बात ना अभी के सीधे सीधे समझ में नहीं आने वाली। अभी को समझाने के लिए एक अच्छे मौके का मुझे इंतजार करना पड़ेगा। दासी, ये आपको नहीं लगता ये दीवारों का कलर बहुत डल हो गया है? आपको नहीं लगता दिवाली की वजह से हमें नया कलर करवाना चाहिए? कलर डल? हाँ, हो गया, सब डल हो गया। हाँ, और वो जो मेन डोर का जो कारपेट है ना, वो भी कितना गंदा लग रहा है ना। वही तो, आई मीन लग ही नहीं रहा कि किसी रॉक स्टार का घर है, राइट? और वो जो साइड के फ्लावर हैं, वो भी कितने पुराने दिख रहे हैं। एक काम करते हैं ना, उनको भी चेंज कर देते हैं, क्यों? वाह मैम, ये तो इतनी अच्छी रंगोली है, आप में तो ये टैलेंट भी है, मुझे भी सिखाइए ना प्लीज। नहीं नहीं पायल, तुम रहने दो। वो क्या है ना कि तुम्हारी जैसी लड़कियां लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाते हुए अच्छी लगती हैं, रंगोली बनाते हुए नहीं। कोई बात नहीं पायल, मैं तुम्हें सिखा दूँ। बहुत हंसी आ रही है ना। सही है भाई, पहले ये मेरी टांग अकेली खींचती थी, अब तू भी इसके साथ मिलकर मेरी टांग खींचना शुरू कर। सही है, लगे रहो तुम। देख, अभी अगर हम दोनों ने तेरे दोनों टांग खींच लिए तो तू मुंह के बल गिरेगा ना। नहीं तुम दोनों ना देख लूंगा मैं तुम्हें, अभी आंटी को शिकायत करूंगा ना, वही देखेंगे तुम्हें। मैं आंटी को शिकायत करूंगी तो वही देखेंगे मुझे। चलो भाई, हंसना हंसाना तो होता ही रहेगा, अब पूजा शुरू करें। चलो चलो भाई, खड़े क्यों हो? पूजा के बाद पटाखे भी तो फोड़ने हैं। तुम
हमें किसी भी तरह से इसे पटाना तो पड़ेगा ही। क्या हो गया इन्हें? मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहे हैं? तुमने इनसे बात की थी पूजा के बारे में? नहीं दी। सर ना, पूजा में नहीं बैठेंगे क्योंकि वो वही करते हैं जो उनका मन करता है, और उन पे प्रेशर डालना तो थोड़ा सा मुश्किल। अब क्या करूं, कैसे मनाऊं इन्हें? सीधा कहने से तो ये मानेंगे नहीं। अगर इसे पटाना है ना, तो सबसे पहले ये जैसा कहे मुझे वैसे ही करना होगा। नो ऑब्जेक्शन। वेल, थोड़ी सरप्राइज होगी पर चलेगा ना? ना मैं लड़ाई की शुरुआत करूंगा ना ये लड़ेगी, और जब झगड़ा ही नहीं होगा तो पटाना तो आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये यूं ही पूजा में बैठ जाएंगे। इससे पहले यही लग रहा था कि वो पूजा में नहीं बैठेगा, तो पूजा खत्म पर उसके चक्कर में पूजा नहीं लेट करेंगे। बैठ जा। ठीक है। चलो चलो भाई, जल्दी चलो, खड़े क्यों हो, पूजा शुरू करें। चलिए। दिवाली को स्पेशल बनाना है। हाँ। बस एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, ये जो पटाखे हैं ना, तुम्हें बस एक काम करना होगा, आलिया और तनु को अपने बातों में उलझा कर रखना होगा। जब तुम उन्हें उलझा कर रखोगे तो मैं आलिया के पैरों में ये पटाखे बांध दूंगी और जला दूंगी। जहाँ जहाँ आलिया जाएगी वहाँ वहाँ पटाखे फटेंगे, मजा आएगा नहीं? क्या बात है दी, क्या धांसू प्लान सोचा है आपने। अब देखना मैं जाकर के कैसे दिवाली को स्पेशल बनाता हूँ। अब निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट। सुनो, देखो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, ओके? और ये दी का ऑर्डर है, आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। You know what, Ronnie? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे ये दी के ऑर्डर मुझ पर नहीं चलेंगे, because I don't even believe in orders. सोच लो, मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों का ही फायदा है। ऑर्डर और फायदा, ये कुछ जम नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रज्ञा हर एक चीज में अपना फायदा देखती है। तो मुझे दी का सीक्रेट मालूम है, और अगर वो सीक्रेट मैं आप लोगों को बता दूं ना, तो तब पता चलेगा कि इसमें किसका कितना फायदा है। कौन सा सीक्रेट? अरे सीक्रेट तो ऐसा है कि जो भी जान लेना माला माल हो जाए। अच्छा, तो क्या सीक्रेट है बताओ। नहीं नहीं, सीक्रेट बताने से पहले मतलब आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस यही कि वही जो मतलब जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आगे मत बताना। You know what, enough of it. अगर तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता ना, तो तुम ये हमें बताने नहीं आते। इसलिए बताना है तो बताओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। आलिया, मुझे लगता है ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सब मालूम है, बताने वाला हूँ। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास आइडिया ही था तुम खुद माला माली हो जाते। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।